पहले मेहमान को नवाजा जाता है, फिर अपने आप को बुलाया जाता है। नमस्कार, मैं सोनाली राज, आप देख रहे हैं जीएन भारत। पलामू मोदी नगर शिवाजी मैदान में जिला स्तरीय कृषक संगठित कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के कई स्टॉल प्रदर्शनी लगाए गए और प्रमंडल आयुक्त जट संकट चौधरी, पलामू उपयुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक समेत कई कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता समेत विभिन्न प्रखंड के आए किसान हुए मौजूद। बेबी कॉर्न, इस तरह की जो खेती को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्यक्षण इत्यादि कृषि मंत्री के निश्चित रूप से कृषि किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है और इन्हीं महत्वपूर्ण गतिविधियों पर आपके आशीर्वाद से कृषि मंत्री है ये वचन देता है कि आने वाले दिनों में इस टीम के भरोसे जो यहाँ पर मंचा से आप सभी जनप्रतिनिधियों के भरोसे आज भी सांसद महोदय होते माननीय विधायक जी लोग होते और उनका हम सहयोग लेते उनके भी बातों को सुनते जो मेगा प्रोजेक्ट है उसमें तमाम टेक्निकल बाधाएं आई हैं और डीसी साहब ने एश्योर किया है, कमिश्नर साहब का भी हम मदद लेंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर उसे कुछ ही दिनों में हम लागू करने का प्रयास करेंगे ताकि दुग्ध क्रांति भी पलामू प्रमंडल में देखे हम उस तरफ उसकी और भी कदम बढ़ाएंगे। हमारे सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत 50% अनुदान पर एपीएल बीपीएल दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए दो गाय की व्यवस्था की है जिसमें पूरे राज्य में 2021 में 93,50 लाभों का लक्ष्य रखा गया है, आपके जिले का भी हिस्सा सुनिश्चित किया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे जीएन भारत पर। धन्यवाद।